हाय स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट्स की, मतलब लेंसेस, मिरर्स, स्लैब्स, प्रिज्म्स, इनके कॉम्बिनेशंस। इस सीरीज में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत डिटेल में। इस सीरीज का ये पहला वीडियो और उसका पहला क्वेश्चन जो JEE 85 में पूछा गया, फिर MNR 90 और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन NEET 21 में भी पूछा जा चुका है। क्या कह रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलॉन्ग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम। मतलब ये कॉम्बिनेशन है टू लेंसेस का, उसमें से लेंस ए है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 20, दूसरा है कॉन्केव लेंस बी उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और इनको कोएक्सियली प्लेस्ड किया हुआ है एट अ सेपरेशन डी। उनके बीच की सेपरेशन है डी। हमसे पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम। यदि कॉन्वेक्स लेंस पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है और दोनों लेंसेस से रिफ्रैक्शन के बाद यदि एमर्जेंट बीम भी पैरेलल है, तो हमको बताना है इन दोनों लेंसेस के बीच की सेपरेशन कितनी है। तो जिन बच्चों को गैलीलियन टेलीस्कोप पता होगा, उन स्टूडेंट्स को पता है कि हमसे पूछा गया है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस, दोनों लेंसेस के बीच की सेपरेशन डी, उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। और लेंथ ऑफ ट्यूब गैलीलियन टेलीस्कोप में, जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्वेक्स लेंस और आईपीस होती है कॉनकेव, उसे कहते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। और लेंथ ऑफ ट्यूब होता है FO-FE। तो एग्जाम में जिनको ये याद आ गया होगा वो तो इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, 20-5। एफओ मतलब ऑब्जेक्टिव जो कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ 20 और आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेस के बीच की सेपरेशन होगी 15 सेंटीमीटर। पर इसको जरा डिटेल में हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसी तरह का दूसरा कोई क्वेश्चन आया तो हम क्या अप्रोच रखेंगे हमारी। तो इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो थ्योरी से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हो गई उनकी कॉमन एक्सेस दोनों लेंसेस की, और यहाँ रखा हुआ है ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ रखा हुआ है डी डिस्टेंस पर एक कॉनकेव लेंस, है ना। कई बार जब हमको स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाने होते हैं सिर्फ, तो हम कॉन्वेक्स को इस तरह से भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा लेंस बनाएं, और ये कॉनकेव है इसको इस तरह से बता सकते हैं। तो ये है वो कॉन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्टिव का काम करता है गैलीलियन टेलीस्कोप में, उसकी फोकल लेंथ हमको दी हुई है FO, वो कितनी दे रखी है, वो है 20 सेंटीमीटर। और ये होगी आईपीस, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, और इसके ऊपर पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है, और वो पैरेलल बीम पहले तो कॉन्वेक्स से उसका रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, उसके बाद कॉनकेव से, और फिर फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होती है ये हमको देखना पड़ेगा। फाइनल इमेज यहाँ बोला हुआ है कि वो एमर्जेंट रेस पैरेलल है, मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है। तो इनके बीच की सेपरेशन हमको दी हुई है, सेपरेशन कितनी दी है, इनके बीच की सेपरेशन हमको दी हुई है डी, और यही हमको बताना है। ये है वो सेपरेशन डी, और यही हमको फाइंड आउट करना है, ये है वो डी। आराम से करेंगे, जल्दबाजी ना करें, पहले ध्यान से सुन लें। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा, थ्योरी के बेसिस पर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या बोला हमसे, एक पैरेलल बीम इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है, तो ये दिखाया हमने पैरेलल बीम, ये कॉन्वेक्स लेंस पर, मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, एग्रीड। और ये है वो पैरेलल बीम। अब क्या होगा, आपको यदि कॉन्वेक्स लेंस की थ्योरी पता है तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज इस लेंस के सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इस लेंस के सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर, तो हम ऐसा दिखा सकते हैं उसे। बोर मत होना, आप पूरी बातें ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस कॉनकेव लेंस की एब्सेंस में, कॉनकेव
केव लेंस की एब्सेंस में इस कॉन्वेक्स लेंस ने ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां फॉर्म किया, और यह है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और यदि यह सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का, अभी मैं एरो मार्क तो कर दूंगा क्योंकि वो रेज हैं, एरो हेड्स तो लगाने पड़ेंगे, पर यह सेपरेशन कितनी होगी, तो यह सेपरेशन होगी इसकी फोकल लेंथ 20। ये सिर्फ आपको थ्योरी से पता हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर ये पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ और इसकी इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस के सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। तो ये सेपरेशन हो गई 20, पर ये तो हमने तब बात की है जब ये कॉनकेव एब्सेंट है। अब क्या होगा जब कॉनकेव लेंस यहां मौजूद होगा, उस समय अब यहां तक तो रेज आ जाएंगी, ठीक है, उसके बाद हमको इसे ब्रोकन लाइन से शो करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रोकन लाइन से इसे शो करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि इस कॉनकेव लेंस पर एक कॉन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट हुआ है, तब ये जो इमेज है कॉन्वेक्स लेंस की, जो इमेज है वो कॉनकेव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो रेज हो जाएंगी डाइवर्ज, रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्ज होकर वो कैसी हो गई है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वो कैसी हो गई, पैरेलल, पैरेलल इस तरह से ये रेज एमर्ज हुई। अब फिर से आप यदि थ्योरी लगाएंगे, आपको कॉनकेव लेंस की थ्योरी यदि पता होगी, कॉनकेव लेंस का फोकस जानते होंगे यदि आप, तो आपको पता है कि यदि किस तरह की बीम, कॉन्वर्जिंग बीम इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, और यदि एमर्जेंट रेज पैरेलल हैं, तो इसने काम किया होता है कौन से फोकस का, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का, किसके लिए, कॉनकेव के लिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया। अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर बहुत आसान है, मैं फिर से बोलता हूं, ये है कॉनकेव लेंस, पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ, ये एब्सेंट होता तो ये रेज यहां कन्वर्ज होती, ये क्या है, ये है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कॉनवेक्स का, पर क्योंकि यहां मौजूद है एक डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कॉनकेव, उसके ऊपर इस तरह का बीम आकर गिरा, कॉन्वर्जिंग बीम, तो इस पॉइंट ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया और फाइनल इमेज फॉर्म हो गई इंफिनिटी पर। यानी ये क्या है, कॉनकेव का, ये है कॉनकेव के लिए, ये होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और कॉन्वेक्स के लिए ये होगा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और कॉनकेव का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इतना आया समझ में आपको, इतना आ गया है यदि, तो ये डिस्टेंस कितनी है, अब आप बता सकते हो ना मुझे कि ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये कितनी है, इसकी आप लेंथ बता सकते हैं क्या कितनी है, आराम से आप बता देंगे कि ये तो है फोकस कॉनकेव का, और फोकल लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए डी, तो 20 - 5 मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, हम यदि कॉनवेक्स के लिए लगाएं लेंस फॉर्मूला, अब यहाँ आपको ये भी सीखना है कि लेंस फॉर्मूला हम किस तरह यूज करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/f, फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, 1/f इक्वल्स टू 1/v, वी तो हमें चाहिए, उसकी इमेज कहां फॉर्म हुई है हमें पता करना है, और ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी, और इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट मेजर हो रही है, इसलिए माइनस इंफिनिटी, तो यहां आएगा माइनस और यहां भी आएगा माइनस, फॉर्चुनेटली ये तो जीरो हो जाएगा, और v1 कितना आया, v1 आया +20, तो ये मैथमेटिकली भी जस्टिफाई हो रहा है कि ऑब्जेक्ट यदि कॉन्वेक्स के सामने इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज उसके फोकस पर फॉर्म होगी। तो ये तो हुई कॉन्वेक्स की बात, अब कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए इसने किसका काम किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया, तो अब कॉनकेव के लिए बात करेंगे तो 1/ उसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसी लेंगे, माइनस साइन के साथ,
माइनस फाइव, वन अपॉन माइनस फाइव इक्वल्स टू वन अपॉन, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, जस्टिफाई होकर आएगा कि ये 5 सेंटीमीटर है। हमें अभी इमेज के बारे में जरूर मालूम है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पर, तो यहाँ आएगा इन्फिनिटी, फिर ये फॉर्मूले का माइनस वन अपॉन यू टू, ये हमको फाइंड करना है सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये जीरो हो जाएगा, फिर माइनस एडजस्ट होके यू टू कितना हो गया, यू टू हो गया प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब इस लेंस के लिए इसने जो कॉन्वेक्स की क्या है इमेज, उसने ऑब्जेक्ट का काम किया, यानी ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये 20 है, हमको ये चाहिए, ये कितना आ गया 15। इस तरह मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, पर ना तो हमको ये करना है ना हमको इतना सब सोचना है। यदि हमें ये याद आ गया कि ये कुछ नहीं, ये है गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप है, यदि ये याद आ गया आपको तो फटाफट आप देख कर इसको आंसर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब हमसे पूछा हुआ है और वो होगा एफ ओ माइनस एफ ई, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो आंसर है इस क्वेश्चन का 15 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब मैंने नून अकेडमी पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं इम्पिटस में तो क्लास लेता ही हूँ, इम्पिटस मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, पेनड्राइव कोर्सेस जिस तरह चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम भी इम्पिटस में होता ही है, उसके साथ साथ नून अकेडमी पर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। और अभी 15 अक्टूबर से एक पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रीमियम बैच है वो, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। पहली बात तो ये कि पर्सनल मेंटरिंग होगी आपकी, हर स्टूडेंट पर अलग अलग ध्यान दिया जाएगा, सबके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, आप भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे। फिर डाउट क्लियरिंग वैसे भी मैं करता ही रहता हूँ, बच्चे जानते हैं, और वहाँ तो और भी इंटेंसिवली ये प्रोग्राम चलेगा डाउट क्लियरिंग का। मेरे अलावा कई सारे सीनियर टीचर्स हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, टिप्स ट्रिक्स तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहता हूँ। मॉक टेस्ट होंगे, प्रीमियम नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, कॉम्पेंडियम्स के बारे में तो आपको पता ही है, समरी में हर चैप्टर की बच्चों को देता हूँ, फॉर्मूला लिस्ट देता हूँ, और वहाँ हाथ से लिखे हुए नोट्स भी आपको मिलेंगे, और जब तक नीट आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा जैसा कि हमेशा रहता हूँ। तो ये सब अच्छा अच्छी बातें हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, 08046810315, और मेरा नंबर तो आपको पता ही है। फिर मेरे साथ साथ बहुत सीनियर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सुनील सर हैं ये बायोसाइंस वाले, इसी तरह ये अपर्णा मैम हैं, ये भी बायोलॉजी की ही टीचर हैं, ये हैं डॉक्टर विशेष पराश्री केमिस्ट्री के, और ये मेरा फोटो आप यहाँ देख रहे हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन करो, इसका फायदा लो, 11th के लिए भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है 28 से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 76 आईआईटी जेई में पूछा हुआ है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस सच दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्वेक्स मिरर का, तो आप डायग्राम बना लो छोटा सा, एग्जाम में भी रे डायग्राम बना लेने से आपको वो सिचुएशन इमेजिन करने में आसानी हो जाती है। तो ये तो हो गई उनकी कॉमन एक्सेस, और क्या बोला हमसे पहले, एक है कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां बना लेते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ हमको दी हुई है, फोकल लेंथ गिवन है हमें, कितनी है फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का ये कॉन्वेक्स लेंस, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है 12 सेंटीमीटर पर, वो ऑब्जेक्ट कैसी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये 12 सेंटीमीटर पर हो गई पॉइंट ऑब्जेक्ट। और फिर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस,
एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, तो उसको बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। अब ये मैं किसी स्केल पर नहीं बना रहा हूं, ये हो गया वो कॉन्वेक्स मिरर। और इसकी भी फोकल लेंथ दी हुई है क्या? कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ हमसे पूछी हुई है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ। पर ये जरूर बताया हुआ है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये जरूर हमको बताया हुआ है। इस लेंस के अदर साइड 10 सेंटीमीटर पर एक कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड है, और ये कहा हुआ है हमसे कि कॉम्बिनेशन की जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ में कोइंसाइड होती है। बस यहीं पर हमको ध्यान देना है, क्या बोला हुआ है यहाँ, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। बस यहां पर ध्यान देना है हमको, फिर हमको बताना है इसकी फोकल लेंथ। तो कैसे सोचेंगे, पहले तो हम इसकी इमेज फॉर्म करते हैं, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u, और प्लस साइन डाल दें दोनों के बीच, 1/v 1/u के बीच, तो वो मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां लगाएंगे हम इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला। इसकी फोकल लेंथ है 10, तो पॉजिटिव साइन के साथ 1/10 = 1/v, v हमको पता करना है। कॉन्वेक्स लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ फॉर्म किया, ये हमको पता करना है। तो v1, इसको साइन नहीं देंगे, फिर यहाँ फॉर्मूले का आता है माइनस साइन, और फिर यहां पर आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर होगी इसलिए -12। ठीक है, ऐसी इक्वेशन बना लेंगे, 1/10 = 1/v1 + 1/12। और मेरे करने का तरीका यह है कि मैं एलसीएम नहीं लेता, बल्कि क्या करता हूँ, 120 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 120 / 10, तो यहाँ कितना आएगा, 12। फिर इधर क्या होगा, 120/v1, और फिर यहाँ आएगा 10, इस 10 को उधर ले गए तो वो होगा 2, और फिर v1 को ले गए हम LHS में, और यहां जो आएगा 2 उसको नीचे, यानी V1 आ गया 60 60 सेंटीमीटर पर इस कॉन्वेक्स लेंस ने बना देनी है इमेज, और वो कैसा है, +60 मतलब ऑन द अदर साइड। अब ये इमेज बना लेते हैं हम पहले, ये इसने जो इमेज फॉर्म किया, तो कैसे करेंगे, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हो गई इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज, और इससे रिफ्रैक्शन के बाद 60 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रही है इमेज, है ना, इमेज फॉर्म हो रही है 60 सेंटीमीटर पर। तो यदि ये मिरर यहाँ एब्सेंट होता, मिरर एब्सेंट होता, तो यहां पर इमेज फॉर्म हो जाता कितनी दूर, इस लेंस से 60 सेंटीमीटर पर यहाँ इमेज फॉर्म हो जाती, है ना। आप भी साथ साथ में सॉल्व करना, मुझसे गलतियां होती हैं और फिर बच्चे बहुत ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी मेरी दोनों की है। मैं तो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो इमेज फॉर्म होता यदि ये कॉन्वेक्स मिरर यहाँ एब्सेंट होता, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर फॉर्म होती। पर हुआ क्या है, इस मिरर ने इन रेस को कर दिया इंटरसेप्ट। अब यूं सोचें कि इस मिरर के लिए इसने किसका काम किया, जो इस लेंस की इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ऐसा बोला हुआ है कि क्या बोला है कि इमेज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों से मिलने वाली जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड हो रही है। इसका मतलब इन रेस को अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा, मतलब इन रेस को जब ये मिरर से टकराती हैं तो इन्हें लौटना पड़ेगा, तभी फिर इमेज भी यहां फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज हो जाएगी। अब ये कब लौट सकती हैं, लौटेंगी ये तब जब 90 डिग्री पर ये इंसिडेंट हो रही हो, नॉर्मल इंसिडेंस, और यदि ये नॉर्मल है तो ये इस स्फीयर का क्या होगा, सेंटर, मतलब इस मिरर के लिए ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, आई मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा,
यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो 60 माइनस 10 यानी 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर इस मिरर के लिए क्या आ गया है? 2f, और हमको बताना है उसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, क्योंकि हमको मिला है r, तो फोकल लेंथ होगा r/2। r/2 मतलब 25 सेंटीमीटर इज द आंसर। मतलब करना कुछ नहीं है, सॉल्विंग बहुत ज्यादा नहीं है, सोचना हमको ज्यादा पड़ता है। तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं एक बार और बोल देता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसके सामने ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पर है। तो पहले तो हमने कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन किया, तो हमको पता लगा इमेज फॉर्म होगी 60 सेंटीमीटर पर। और फिर ये बोला है कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड हो रही है, उसी पर फिर से फॉर्म हो रही है, मतलब इन रेज ने अपना पाथ रिट्रेस किया है वापस आने के लिए। यहां टकराना पड़ेगा 90 डिग्री पर, नॉर्मल इंसिडेंस होगा तभी लौटती हैं वो, आपने पढ़ा हुआ है प्लेन मिरर्स में भी और स्फेरिकल मिरर्स में भी, कि पाथ अपना रिट्रेस करने के लिए 90 पर इनको इंसिडेंट होना चाहिए। और यदि ये 90 डिग्री है इस स्फीयर से, यानी ये रेडियस की डायरेक्शन है, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे मिलेगा? 60 माइनस 10 यानी 50, यानी आपको आर मिल गया, आर बाई टू इज 25 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, तो आप साथ साथ में मेरे सॉल्व करना। क्या बोल रहे हैं? कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 26 सेंटीमीटर एंड फर्दर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट। The principal axis of the lens and the mirror are coincident and the object is on the axis. Find the position and nature of the image. तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो एक रे डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। एग्जाम में भी रे डायग्राम यदि आप बना लेंगे तो फिर वो आप इमेजिन कर पाएंगे सिचुएशन। तो रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले किसकी बात हुई है? ये कॉम्बिनेशन है एक कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर का। तो पहले बनाते हैं हम कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस तो ये हो गया वो कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस को आप चाहें तो इस तरह भी शो कर सकते हैं, जैसा मैं पहले से बोल रहा हूँ आपसे। ये हो गया वो कॉनकेव लेंस, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर, और क्या बोला है? इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, और अदर साइड एक कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 26 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया वो कॉनकेव मिरर, और इसकी दे रखी है हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर 26। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ होगी 26 का आधा मतलब 13 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉनकेव लेंस, तो एक लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पर। मान लेते हैं यहाँ है ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो इस कॉमन एक्सिस पर है। हमको बताना क्या है? फाइनल इमेज का नेचर और उसकी पोजीशन। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से इससे रिफ्रैक्शन होगा, कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। तो हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस की कैसा होता है इसका नेचर? तो इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग, मतलब इंसिडेंट रेज डाइवर्ज होंगी इस लेंस से। ठीक है, इस तरह आप उसका रे डायग्राम सोच सकते हैं। तो ये इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे का क्या होगा? ये डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो मान लो ऐसी गई और इसको डाइवर्ज करना है तो ऐसे ले जाना पड़ेगा इस मिरर को। मैं अभी थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये मिरर यहाँ तक। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? तो इमेज इसकी यहाँ कहीं फॉर्म होगी, यहाँ कहीं फॉर्म होगी। समझ में आ रही बात? अब कैलकुलेशन करें यदि कॉनकेव लेंस के लिए, तो लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो 1/ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी लेंगे? -20 इक्वल्स टू 1/V1। ये जो इमेज फॉर्म हुई है अभी ये जस्टिफाई भी हो जाएगा, ये है
ऑप्टिकल सेंटर उस लेंस का, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हमको मिलने वाली है अभी, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है वो तो है 10, तो इमेज हमको पता लग जाएगी कहाँ पर बनी। तो 1/v माइनस 1/u, और u कैसा लेंगे, -10, ये दे रखा है हमको, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पर, ये आएगा -10, तो ये प्लस हो गया, और इसको v1 के लिए हमको सॉल्व करना है। तो इसको पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ 20/v1, और यहाँ आएगा +2। इस तरह से v1 कितना हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाएंगे, ये हुआ -3, यानी ये हुआ -20/3, -20/3 सेंटीमीटर। 20/3 मतलब कितना होता है, वो होगा 6.67 के आसपास, 6.67, मतलब आपको पता ही है वो तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही हमेशा इमेज फॉर्म होती है। तो ये बात हुई I1 की, यह है इमेज ऑफ कॉनकेव लेंस, और ये जो इमेज है कॉनकेव लेंस की जो इमेज है वो इस मिरर के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का। तो अब हमको दूसरा काम करना है, इसको मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनाकर और उसकी इमेज फॉर्म करनी है। तो अब लगाना पड़ेगा हमको मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन, तो ये पार्ट टू। अब बात कर रहे हैं हम कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर, और हम लगाएंगे मिरर इक्वेशन। फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 13, तो -13 क्योंकि कॉनकेव है, और फिर यहाँ लिखता हूँ मैं V2 कि हमको मालूम करना है कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, अब 1/V2 प्लस 1/u होता है, और u हमको निकालना पड़ेगा, और u होगा इसके, ये क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी पोल, ऑप्टिकल सेंटर नहीं पोल, मिरर है ये, तो पोल से यहां तक की हमको लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये हमको मिल गई है 20/3, और इनके बीच की सेपरेशन हमको क्वेश्चन में बोली हुई थी, वो है 15, वो है 15, तो 15 प्लस 20/3 हमको करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 20/3 ऐसा करना पड़ेगा, 45 और 20, 65, 65/3 ये होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो कैसी होगी, नेगेटिव, तो माइनस साइन के साथ यहाँ 1/u, और 1/u तो ये हो जाएगा 3/65। ये मैं सही कर रहा हूं या नहीं वो आप देख लेना। तो अब निकालते हैं V2, उसके लिए 65 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 13 5 यानी -5 आएगा, यहाँ यहाँ आएगा 65/V2, और यहाँ आएगा -3, -3 उधर जाकर वो कितना हो जाएगा, +3, -5 +3 मतलब कितना हो जाएगा, -2, और V2 कितना हो जाएगा, 65/2 विद माइनस साइन, 65/2 विद माइनस साइन, और 65 का आधा करें तो कितना होगा, 32.5 विद माइनस साइन। ठीक है, 32.5 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, एक तो माइनस का मतलब यह है कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट इधर कहीं इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अब इसका यदि आप रे डायग्राम बनाएंगे, यहां से और वो डिस्टेंस आई है, लेंस से नहीं है, यहां से इसके पोल से 32.5 तक, तो ये 15 है और ये 10 है, यानी 25 है, यानी इधर कहीं इमेज फॉर्म हुआ है। तो अब वो रेस को लौटाना पड़ेगा हमको, इसको मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर से आपको दिखाते हैं कि इस तरह वो लौटेंगी रेस, और कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, इधर कहीं पर बीच में इंटरसेप्ट होंगी वो इस लेंस से, इस लेंस से इंटरसेप्ट होंगी, तो फिर ये डाइवर्जिंग है, तो इसको ये रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज। तो ये 32.5 है, ये 32.5 है, और ये रेज लौट रही हैं, और लौटते समय फिर से ये इंटरसेप्ट होंगी इस लेंस से। तो अब इमेज कहाँ बनेगा वो देखने के लिए फिर से हमको लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला, ये तीसरी बार। फिर से हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, उसकी फोकल लेंथ हमको पता है, फोकल लेंथ मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये है टोटल, इसको मैं बोल देता हूँ I2, ये I2 वाली बात यहाँ जो लिखी हुई है, ये पोल से यहाँ तक, ये है 32.5, हमें तो ये चाहिए,
इसमें से हमको घटाना पड़ेगा कितना, 15, और 15 घटाएंगे तो -17.5 ये हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये इस तरह का बीम आ रहा है कॉन्वर्जिंग। तो ये जो इमेज है किसकी, मिरर की जो इमेज है वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी, मतलब यू यू फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस। तीसरी बार जब रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए 32.5 में से हमको 15 घटाना पड़ेगा, तो -17.5, -17.5 ये प्लस प्लस लेना पड़ेगा, प्लस प्लस लेना पड़ेगा। ये ध्यान याद रखेंगे, इधर ही रेज है और इधर ही वो ये ऑब्जेक्ट है, तो प्लस आएगा, +17.5 सेंटीमीटर। वी इज टू बी फाइंड आउट, और फोकल लेंथ हमें पता ही है। तब फिर से हम लगाएंगे अब लेंस फॉर्मूला, तो 1/f फोकल लेंथ -20 लेंगे। वी हमको पता करना है, इसको आप चाहो तो V3 लिख लो, V3 लिख लो इसको, और माइनस साइन फॉर्मूले का आता है U, ये 17.5 है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। V3 यदि आप सॉल्व करेंगे 2/35, ये इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। आप चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर ले जाएं 175, ये 10 और 175 ये 20 है, तो इसको इधर लाएं और फिर एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये V3 आ जाने वाला है, क्या बोला मैंने, V3 विल कम आउट टू बी 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर आना ही चाहिए वो प्लस में। क्यों, क्योंकि तो इसी तरफ वो इमेज फॉर्म होगी। अब ये रेज यहां तक तो आएंगी लौट कर, और फिर क्या होगा, डाइवर्ज होंगी, और डाइवर्ज होंगी तो इस तरह से यहां कहीं वो इमेज फॉर्म होगा। डाइवर्ज कर देते हैं इसको, ऐसा ले जाकर यहां कहीं वो फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो हमारा एक आंसर तो ये है 140 सेंटीमीटर। पर कहां से, इन्होंने तो बोल दिया फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो 140 वो लेंस से होगी। यदि मिरर से पूछा होता तो फिर उसमें 15 ऐड करना पड़ता, 155 सेंटीमीटर मिरर के पोल से, और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 140 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगी इमेज। तो ये तो आ गई उसकी पोजीशन, और नेचर कैसा होगा, तो आगे इसको आप सॉल्व करना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, 3 बार, क्योंकि वो फिनोमेना हुआ है। एक बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, तीनों बार हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, वी बाई यू के फॉर्मूले से लेंस के लिए, और -V/U फॉर मिरर। M1, M2, M3 आप तीनों फाइंड आउट करेंगे और तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, पर आप जरूर इसको सॉल्व करना। ये आएगा -8, यानी 8 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और माइनस बता रहा है कि रियल है और इन्वर्टेड है, तो रियल इन्वर्टेड एंड 8 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होगी फाइनल इमेज। तो इसको आप जरूर सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इफ द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज 70 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लोकेशन नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो ध्यान से आपने पढ़ा होगा, हमको बोला हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसको किसी डबल कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल नहीं होते, इक्वल हो तो वो कहलाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। हालांकि यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 अ कॉन्केव मिरर, दूसरा एलिमेंट है कॉन्केव मिरर, जिसे लेंस से 45 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और उस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आगे बोला, यदि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की सेपरेशन 70 हो तो हमको बताना है इमेज का लोकेशन, नेचर और मैग्निफिकेशन। तो एक रे डायग्राम बनाते हैं, और लॉजिक से मतलब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी आराम से हम आंसर कर सकते हैं, आराम से उसका आंसर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया वो कॉन्वेक्स लेंस,
और कॉन्वेक्स लेंस की हमको दे रखी है फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया वो कॉन्वेक्स लेंस, फिर से बनाता हूँ मैं इसे, ये है वो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इससे कितनी दूर, इससे 45 सेंटीमीटर पर ये है वो कॉनकेव मिरर। ये सेपरेशन हमको दी हुई है कितनी, 45, ये है 45, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लेते हैं डायग्राम को हमारे, तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ये हो गया वो कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर के बारे में क्या बताया, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच की सेपरेशन हमको बोली हुई है वो है 45 सेंटीमीटर, यह है 45 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है कि मिरर और ऑब्जेक्ट उनके बीच की सेपरेशन है 70, तो यहाँ कहीं बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, यह है मान लो वो ऑब्जेक्ट, यहाँ रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ये हो गई ऑब्जेक्ट। और ऐसा बोला हुआ है, ऐसा कहा है हमसे कि ऑब्जेक्ट से मिरर तक की सेपरेशन, मतलब ये मिरर तक की सेपरेशन ये कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है कितना बोला है 70 सेंटीमीटर। अब इससे एक बात आपको पता लग गई होगी, ये यदि 70 है ऑब्जेक्ट से मिरर के पोल तक की डिस्टेंस, ये दे रखी है 70, और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और मिरर के पोल के बीच की सेपरेशन है 45, यानी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ऑब्जेक्ट है, इसको ओडैश कर देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो 45 में से 70 जाकर कितना हो जाएगा, ये 25, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट इसके सामने कितनी दूर है 25। अब 25 सेंटीमीटर लेंस के लिए क्या कहलाता है, उसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है 12.5, यानी ये उसका फोकस है, और ये पॉइंट जहां ऑब्जेक्ट रखी है वो क्या है, तो वो है 2F। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि 2F पर यदि ऑब्जेक्ट होती है तो 2F पर ही उसकी इमेज फॉर्म होती है, इतनी दूर यहाँ कहीं उसकी इमेज फॉर्म होगी, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी से ही पता लग गया, कॉन्वेक्स लेंस के सामने यदि ऑब्जेक्ट 2F पर हो तो उसकी इमेज 2F पर ही फॉर्म होती है। और मैग्निफिकेशन कितना होता है, -1, यानी पहली बार जब रिफ्रैक्शन हुआ तब मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -1, और इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी, मतलब I1 कहाँ फॉर्म होगा, I1 फॉर्म होगा 25 सेंटीमीटर पर, यानी V1 इज +25। ये दो बातें आपको थ्योरेटिकली पता लग गई। अब क्या होगा, अब इसकी बात कर लें, यदि ये है 45, ये 25 आया है, यानी ये कितना होगा, पोल से I1 तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी 20। और इस मिरर के लिए क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, उस मिरर के लिए वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ 10 है, यानी ये 20 उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। होगा ये कि यहां से पहले होगा रिफ्रैक्शन इस लेंस से, यहाँ इमेज फॉर्म होगा, ये मैं किसी स्केल पर नहीं बना रहा हूँ, हालांकि ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए, पर यहाँ बनी इमेज, और लेंस की ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा, ये रिट्रेस होंगी, अपना पाथ रिट्रेस करेंगी, यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा, दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। ये दूसरी बार हुआ, पहली बार रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, फिर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, उसमें कितना मिलेगा हमें मैग्निफिकेशन, मतलब ही M2, वो कितना आएगा, वो भी -1 ही होगा, मिरर्स के लिए आप जानते हैं। और I2 की डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से, मिरर से होगी कितनी, 20, कैसी 20, -20, ठीक है। ये दूसरी बार, ये भी थ्योरेटिकली पता हुआ, और अब रेस तो अपना पाथ रिट्रेस कर ही रही है, अब ये I2 फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये C पर है ऑब्जेक्ट, तो C पर ही इमेज फॉर्म होगी, मतलब फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट पर। और तीसरी बार रिफ्रैक्शन के लिए M3 कितना होगा, वो भी -1 होगा, और V3 मतलब क्या चीज, ये है इमेज डिस्टेंस लेंस से,
वो कितनी होगी 25, और कैसा 25 प्लस 25, यानी लोकेशन तो हमको पता लग गई, लोकेशन क्या है तो वो ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड हो जाएगी। मिरर से कितनी दूर ऐसा पूछेगा तो 70, लेंस से कितनी दूर 25, ये लोकेशन हो गई इमेज की। फिर नेचर के लिए क्या करेंगे, नेचर के लिए हम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, M1 टाइम्स M2 टाइम्स M3 कितना आएगा, -1 -1 -1, फाइनली आएगा -1, यानी रियल है, रियल है इन्वर्टेड होगी, और 1 बता रहा है सेम साइज होगी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इस तरह हम लेंस मिरर्स के कॉम्बिनेशन से फाइनल इमेज का नेचर और मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। हमको मिल गई लोकेशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन बाय द थ्योरी ओनली, यानी बहुत सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करेंगे, अ कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन अ स्क्रीन प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, ये कंडीशन 1। आगे क्या बोल रहे हैं, ग्लास प्लेट म्यू इक्वल्स टू 1.5 एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन, ये कंडीशन 2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज अगेन फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, पहले तो बात करते हैं हम उस कॉन्वेक्स लेंस की। पहली कंडीशन में हमसे क्या बोला हुआ है कि वो कॉन्वेक्स लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पर फॉर्म करता है। क्या क्या दिया हुआ है हमें उसके बारे में, लेंस के बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है और इमेज डिस्टेंस पता है, हमको उसकी फोकल लेंथ नहीं पता, तो हम पहले उसकी फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया वो कॉन्वेक्स लेंस, और उसके सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, हमसे बोला है ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पर, यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर, और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पर, तो ऑब्वियसली स्क्रीन यहाँ रखी हुई है, और स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ है वो स्क्रीन। तो किसी स्केल पर मैं नहीं बना रहा हूँ, पर होगा ऐसा ही है, वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ, ये ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर, और उसकी रियल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है, और ये लेंथ हमको दी हुई है कितनी है वो 10 सेंटीमीटर, यानी लेंस से अदर साइड वो स्क्रीन रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर। इस डेटा से हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस की, 1/f = 1/v, और v कैसा होगा +10, माइनस साइन फॉर्मूले का 1/u एंड u इज -40, ऐसा हो जाएगा, और इसको हमें सॉल्व करना है, 40 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40/f = 4 + 1 यानी 5, तो f आ गया कितना 40/5 यानी +8 सेंटीमीटर, और प्लस आना ही चाहिए था क्योंकि वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो पहली बात हुई, अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पर एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी, अलग डायग्राम बना सकते हैं या यहीं पर वो बना देता हूँ मैं, पर एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि यदि यहाँ पर हम एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक ग्लास स्लैब यदि इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, और उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 यानी 3/2, तो होगा क्या, यहाँ तक तो रेज आ जाएंगी, और उसके बाद आपको पता है कि इसमें आता है शिफ्ट, और उस शिफ्ट का फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, शिफ्ट होता है T × 1 - 1/μ, ये रेज शिफ्ट हो जाएंगी और ये इमेज भी शिफ्ट हो जाएगी, कितने से शिफ्ट हो जाएगी, वो निकालने के लिए यहाँ लेंगे थिकनेस 3, 1 - 1/μ, तो ये हो जाएगा 2/3, सॉल्व करने पर ये आ गया 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर किधर, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में, यानी ये रेज अब यहाँ कन्वर्ज होंगे, कितनी दूर, इसके इंट्रोडक्शन पर, स्लैब के इंट्रोडक्शन पर वो जो इमेज फॉर्म होगा वो स्क्रीन के पीछे फॉर्म होगा 1 सेंटीमीटर पीछे, और अब वो ये बोल रहा है कि फिर भी यदि उसे स्क्रीन पर बनाना हो तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, ये हमसे पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको इमेज को इधर लाना है तो ऑब्जेक्ट को दूर करना पड़ेगा, यानी आंसर 40 से तो ज्यादा होगा,
यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। पर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूं सोचेंगे कि यदि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्लैब द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ओनली, इसको इसको हटा दें पहले, इसको हटाकर यूं सोचें कि यदि ये लेंस 9 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म कर दे तो 1 सेंटीमीटर इससे शिफ्ट आएगा इसकी प्रेजेंस पर और फिर से स्क्रीन पर इमेज बन जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं। फिर से बोलता हूं मैं, स्लैब हटा दो और ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पर रखो कि उसकी इमेज बन जाए 9 सेंटीमीटर पर, मतलब वी हमको चाहिए +9 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमको मालूम ही है उसकी +8, और इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए ये हम फाइंड कर लेंगे। यारी बात आपको समझ में, 9 सेंटीमीटर पर यदि इमेज फॉर्म होती है इसकी एब्सेंस में, तो इसकी प्रेजेंस में कहाँ फॉर्म होगी, 1 सेंटीमीटर और आगे, यानी फिर स्क्रीन पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये डेटा लेकर आप वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, तो 1/f मतलब 8, 1/v -1/u, तो u के लिए इसको सॉल्व करना है आपको, तो 1/u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/u इसको मैं उधर ले गया हूँ, 1/9 -1/8, तो ये हुआ 72, और ऊपर क्या आएगा 8, और यहाँ आएगा 9, यानी -1/72, दैट इज -72। माइनस किस बात का, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, मतलब ऑब्जेक्ट को आपको इधर खिसकाना पड़ेगा, कितना खिसकाना पड़ेगा पूछेंगे तो 32 सेंटीमीटर आंसर करेंगे। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, तो इसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग हुई है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।